नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस गरीब की चाची अपना रामू कैसी कैसी बातें करने लगा है। अभी मास्टर जी के यहाँ उसने ऐसी ऐसी बातें की बिल्कुल सुनने के लायक कि मैं हर गरीब को सुखी बनाऊंगा, हर झोपड़े में बत्ती जलाऊंगा, हर आदमी के दिल में दिया जलाऊंगा। मास्टर जी वहाँ खुश हुए जा रहे थे और मेरा मन झूम रहा था। सच सच चाची, इसको री बस की अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रहती तो खुशी से वही नाचना शुरू कर देती। चंदा हाँ? अरे वो चंदा क्या है? देख मैं तेरे लिए शहर से पायल लाया हूँ। इसको री बस की पायल कितने सुंदर है। अरे इसे देखकर उछलती रहेगी या इसे पहनेगी भी? इसको री बस की तो तुम ही पहना दो ना। रामू तुम मेरे लिए तोहफा लेकर आए, इसका मतलब तुम शहर जाके मुझे नहीं भूले, मैं याद रही तुम्हें। मैं भला तुझे कैसे भूल सकता हूँ। तूने मेरी माँ की इतनी सेवा की, मेरी गैर हाजिरी में उसका साथ निभाया। अरे मैं तो मर के भी तुझे नहीं भूल सकता हूँ। रामू बरसों बाद शहर से लौटा, एक मुद्दत तक वो मुझसे दूर रहा मगर फिर भी मुझे भूला नहीं। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। अरे चंदा बारिश तो नहीं हो रही है, फिर तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों है? इस कोरी बस की उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। अभी मैं किसी और काम से आई हूँ। आज मैं रामू को बहुत मस्त जबरदस्त खाना पकाकर खिलाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी थोड़ी सी सब्जी दोगी? सब्जी क्यों, रामू को चाहिए तो पका पकाया खाना देती हूँ। इस कोरी बस की वैसे मजा नहीं आएगा, उसे अपने हाथ से पका के खिलाने को जी करता है। थोड़ी सी सब्जी दो ना। मैं खिलाते समय उसे जरूर कहूंगी कि तुमने दी, कसम से। ठीक है ठहरो मैं भी लाती हूँ। बाप रे बाप, ये लक्ष्मी जी कितनी मोटी मोटी भारी भारी किताबें पढ़ती है, किसी को खींच के मारो तो बेचारा बेहोशी हो जाए। अरे क्या कर रहे हो, भूल गए? अरे हाँ पहला निवाला तो तू खिलाया करती थी ना, सॉरी भूल गया। अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे एक चीज समझा, इतनी सब चीजें बनाने की क्या जरूरत थी, कोई राजा महाराजा की दावत है? अरे वाह इतने बरसों बाद तुम घर आए हो, तो क्या रोटी चटनी बनाती? इसलिए मैं आज लक्ष्मी जी के वहाँ जाकर तुम्हारे लिए खास सब्जी मांग कर लाई हूँ। अरे मेरी खातिर वहाँ जाकर सब्जी लाने की क्या जरूरत थी अगली, मैं शहर में भी सूखी रोटी चटनी खाकर और पानी पीकर गुजारा किया करता था। हाँ हाँ वहाँ खाते होगे, लेकिन अब मैं अपने हाथों से कम एक दाल एक सब्जी रोज बनाकर खिलाऊंगी। इसको रे बस की मैंने तुम्हारे लिए दही जमा के रखा था, अभी लाई अभी लाई। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, खामोश। तुम लड़ क्यों रहे हो? सर देखो इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरा खून भी निकल दिया। नहीं सर, इसने पहले मुझे धक्का दिया और मेरा भी खून निकाल दिया। सर इसका बाप हमारे इधर नौकर है, मेरी गाय भैंस चराता है, ये आके मेरे पास मेरी बराबरी कर रहा था तो मैं इसे धक्का देके दूर कर रहा था। सर ये हरिजन है, मैं ब्राह्मण हूँ, कभी इसने मुझे छू लिया तो मेरी माँ मुझे मारेगी। सर हम लोग अमीर हैं, इसका बाप हमारे घर में आके हाथ जोड़ के खड़े रहता है, इसलिए मैं इसके बाजू में कैसे बैठ सकती हूँ? देखो बच्चों, सबसे पहले अपने दिल से ये बात निकाल दो कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ऊंचा है कोई नीच है, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। सर हम मालिक है, ये हमारा नौकर है, हम दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? सर ये हरिजन है, मैं ब्राह्मण हूँ, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? सर हमारे पास रुपया है, ये गरीब है, इसलिए हम दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम सांस क्यों लेते हो? जिंदा रहने के लिए। बगल में ये लड़की खड़ी है, ये भी सांस लेती है ना? हाँ लेती है। कुछ देर पहले तुम्हें चोट लगी थी और खून निकला था? हाँ सर। उसका रंग क्या था? लाल। और इसे जो खून निकला उसका रंग क्या था? वो भी लाल। खून तो अंदर से निकलता है ना, जब अंदर का रंग एक जैसा है तो फिर बाहर से हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सोचो तो सही, क्या हम अलग हो सकते हैं वाला? नहीं सर नहीं हो सकते। बच्चों जब हम सबके खून का रंग एक है, जब हम जिंदा रहने के लिए एक ही हवा से सांस लेते हैं, जबकि ईश्वर की बनाई हुई एक ही धरती पर हम एक साथ रहते हैं, तो फिर हम अलग कहाँ से हो गए? हाँ चलो बच्चों खड़े हो जाओ और एक लाइन में आ जाओ, जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहराते जाओ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं।
हम सब एक हैं, सब बराबर हैं, इसलिए तुम कल से एक जैसे कपड़े पहनकर आना, फिर देखना सब एक जैसे लगेंगे और कोई भेदभाव तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये आज के लिए काफी है, आज के दिन छुट्टी, सब अपने अपने घर जाओ। रामू, लक्ष्मी तुम कब आई? जब तुम बच्चों के दिलों से भेदभाव का जहर निकालकर उनको एकता का सबक पढ़ा रहे थे, मैं तब आई। हाँ लक्ष्मी, इस जहर को निकालकर इन मासूम बच्चों के दिलों में प्यार और एकता का बीज बोना बहुत जरूरी है। कल को जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके दिलों में अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। रामू, कोई भी इंसान जिसके पास दिल और दिमाग हो वो तुम्हारे आदर्शों में भाग लेना चाहेगा। मुझे भी मौका दो, कल से मैं स्कूल आकर तुम्हारे साथ बच्चों को पढ़ाया करूं। लक्ष्मी, ये गरीब मामूली इंसान की कश्मकश की जंग है, तुम्हें तो तकदीर ने सब कुछ दे रखा है, कहां अपने आप को इस जंजाल में फंसा रही हो। रामू, मैं एक अमीर बाप की बेटी कहलाने से तो एक उसूल पसंद इंसान का साथ देना बेहतर समझती हूँ। सिर्फ जन्म लेकर दुनिया में जीने का मतलब जिंदगी नहीं, जिंदगी को जिंदा रखने के लिए मन में कोई उमंग होनी चाहिए, ख्यालों में कोई मंजिल होनी चाहिए, और ये सब तुम में है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे इन आदर्शों में तुम्हारा हाथ बटाऊं, तुम्हारे उसूलों में तुम्हारा साथ निभाऊं, यहां तक कि तुम्हारे जीवन का साथी बनना अपना सौभाग्य समझूंगी। लक्ष्मी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे संग साथ फेरे लेने मेरे वो अरमान है जिनकी तड़प तुम्हारे उसूलों के साये में चलने से पूरी होगी। क्या क्या क्या, वो मामूली टीचर कीड़े मकोड़े पिस्सों की औलाद बाप की लय फहरा रहा है, कहता हम सब एक है, मैं एक के दो बनाता हूँ, वो हजार के एक बना रहा है। कदम हिटलर की, मधुकर की रियासत में बगावत की हवा कभी नहीं फैल सकती। मालिक, ये हवा बड़ी बुरी तरह फैल चुकी है। आज सुबह मेरा बेटा मेरे नौकर के बेटे को साथ बैठाकर कह रहा था कि हम सब एक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से बच्चों को पहचानना मुश्किल पड़ गया है। आज सुबह अपना बेटा समझकर मैंने नौकर के बेटे को चूम लिया। कल की बात है, मेरा बेटा उस हरिजन पूरन के बेटे को अपने साथ में खाना खिला रहा था। मैंने पूछा ये क्या है तो कहने लगा हमारे खून का रंग एक है, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, इसलिए हम सब एक हैं। तुम्हारा बेटा गधे की औलाद है, कुत्ते की औलाद है। अबे गधे घोड़े हर जानवर के खून का रंग लाल होता है, हर जानवर उसी हवा से सांस लेता है जिसे हम लेते हैं, तो क्या हम जानवर हो गए? तुम क्या हाथी की सूंड की तरह मुंह लटकाए खड़े हो? मैं सही कह रहा हूँ या गलत? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे तो मेरा खुद का धंधा जो रुपये के डंडे से चलता है लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ए चंदा, क्या है, तू रामू के स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाती? इस करी बस की, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे कैसी गवार लड़की है रितु, तेरी शादी किससे होगी? रामू से ना, और वो पढ़ा लिखा, तू अनपढ़ गवार। और मान ले तेरी शादी के बाद वो कहीं बाहर गया और तुझे चिट्ठी लिखी, उसको पढ़ने के लिए तो पढ़ाई जरूरी है ना, क्या तू अपने पति की चिट्ठी किसी और से पढ़वाएगी? इस करी बस की, बात तो ठीक है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये अचानक पढ़ने का ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आ गया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे पढ़ाओ ना। मैं क्यों पढ़ाऊं? तुम्हारा रामू इतना अच्छा टीचर है, सारा गांव उसे पढ़ता है, तुम भी उसे पढ़ लो ना। इस कुरी बस की, मैं उससे नहीं पढ़ सकती, तुम पढ़ाओ ना, देखो मैं सुबह शाम तुम्हारी सेवा करूं। बस बस बस, मस्का मत लगाओ। मैं जो अक्षर लिख के देती हूँ उस पर हाथ बिठा लेना। कसम रुपये की, क्या बात है शांति, आज तो तू अपनी गुलबदन बिटिया को भी साथ लेकर आई है। मालिक, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, 50 रुपए उधार दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी मेहरबानी छोड़, ये बता गिरवी रखने के लिए क्या लेकर आई है? अब घर में बचा ही क्या है, एक एक करके सारा सामान आपकी दुकान पे गिरवी रख दिया, आप कागज पे जो चाहो लिख लो, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। अरे बेवकूफ, अंगूठा तो मैं मर्दों से लगवाता हूँ, औरतों से तो मैं क्या मतलब? अरे इतनी भोली मत बन शांति, अपनी इस चुलबुली छमिया जैसी बेटी को सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पास गिरवी रख दे, छोड़ दे, जितना चाहे मार लेती जा। छोड़ दो, छोड़ दो। ए जागो, छोड़ दे इसे।
वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। छोड़ दो। अरे जा जा, तुझ जैसे को सबक सिखाने के लिए ही तो मैंने अपने गंगू को रखा हुआ है। ए गंगुआ, ए मास्टर, तू जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ा। बड़ों के काम में दखल देगा तो खाम खाम मेरा हाथ उठ जाएगा। इस मास्टर के हाथ ना सिर्फ स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर सबक लिख सकते हैं, बल्कि तेरे काले माथे पर आने वाली काली तकदीर भी लिख सकते हैं। मास्टर! आइंदा खामखा हाथ उठाने की कोशिश की ना तो इस मास्टर के हाथों को तेरी कहानी कलम की सिहाई से नहीं बल्कि तलवार के खून से लिखनी पड़ेगी। अरे रामू बेटा, मेरा मेरा कलसा। का? का? गा? गा? लक्ष्मी जी, इस पढ़ाई में बहुत गड़बड़ है। क्या? देखो, पहले का आता है, फिर खा आता है। खा बड़ा है तो उसको पहले आना चाहिए, का छोटा है तो क को बाद में आना चाहिए। बोलो गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है या नहीं तुम जाकर ये रामू से पूछो। नहीं, मैं रामू से क्यों पूछूं? तुम मेरी टीचर हो, तुम मुझे पढ़ाओ। बोलो ना, खा पहले क्यों नहीं आता? देखो चंदा, पहले जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो बड़ा होता है कि छोटा? इसको बस की छोटा ही होता है। इसी तरह भाषा माँ है, अक्षर उसके बच्चे हैं। पहले छोटा आता है जिसे क कहते हैं, बाद में खा आता है जो बड़ा होता है। अपड़िया, इस कोड़ी बस की। लक्ष्मी जी, तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी हो। का? का? गा? गा? ला 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 ला। इस कोड़ी बस की। अबे गंगू, ये लकड़ी लगाकर मेरा रास्ता क्यों रोका? हा? अरे भागते हुए तेरे पैर में कांटा ना चुभ जाए इसलिए लकड़ी लगा दी। जानती है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ। तेरे मुंह से ये प्यार का शब्द अच्छा नहीं लगता। क्यों? पास आ रही दारू की, चल हट। अरे बहुत जबान चलने लगी है तेरी, है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझसे शादी करके सारी उम्र के लिए तेरे नाक में नकेल डाल सकता हूँ। तूने अभी मुझे पहचाना नहीं है। इस कोरी बस की। आई नो यू फूल, नॉट स्मॉल फूल, बिग बिग फूल। बहुत गिटर पिटर करने लगी है। रामू, तुमने तो जैसे गांव वालों पर जादू कर दिया है। हर तरफ से एक ही आवाज सुनाई देती है, रामू ऐसा है, रामू वैसा है, रामू भगवान है, रामू देवता है। ये लो पहला निवाला। क्यों बच्चों, क्या बात है, खाना नहीं खा रहे? सर मुझे भूख लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। सर मेरे बापू सब पैसों की शराब पी जाते, मुझे खाने को कुछ नहीं देते। सर मेरी माँ बचपन में मर गई, मेरे पिताजी को बहुत बुखार है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। सर पहले मैं काम करता था तो खाना खाता था, अब मैं स्कूल पढ़ने लगा तो मेरी नौकरी छूट गई। चंदा, इन मासूमों का बचपन अगर भूख में जल जाए तो बड़े होकर ये दुनिया को जला डालेंगे। खाना इन्हें खिला दो, अगर कम पड़ जाए तो घर से और ले आना। आओ बच्चों, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मास्टर जी, सरकार तमाम स्कूलों को दोपहर के खाने की ग्रांट देती है, स्पेशल फंड देती है, हमारे स्कूल को भी मिलना चाहिए। तुम क्या समझते हो बेटा, सरकार हमें मदद नहीं देती?
बाकायदा चंदा मिलता है हमको। तो फिर क्या होता है उन पैसों का? उन पैसों का क्या होता है बेटे, ये तो गांव का सरपंच मधुकर ही जानता है। अरे रामू तू? हाँ मैं तुम्हारे पिताजी को मिलने आया हूँ। अच्छा तुम बैठो मैं बुलाती हूँ। रामू, मिस्टर जग्गू, जो आदमी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हो, जिनके दिमाग के खाली बर्तन में शिक्षा के मोती टपकाता हो, उसको हम लोगों से क्या काम हो सकता है? मेरा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, उनके दिमाग के खाली बर्तन में शिक्षा के मोती टपकाना ही नहीं है, बल्कि उनके खाली पेट में रोटी पहुंचाना भी है और मोती जैसे आंसुओं को भी पहुंचना है। बहुत मोती मोती हो गया, मतलब की बात करो, क्या है? स्कूल के बच्चों के खाने के लिए सरकार की तरफ से जो फंड आता है वो पैसा कहाँ है? मैं खा गया समझे, क्या कर लोगे? तुम्हारी इतनी जुरत के मेरे घर में आकर मुझसे सवाल करो और फिर ये तमन्ना रखो कि मैं तुमको जवाब दूंगा? बहुत हो गया रामू, मेरे अंदर क्रोध का जलजला पैदा मत करो, मुझे उतार लेने पर मजबूर मत करो, वरना गोदावरी की गोद में इतनी लाशें तैरती हुई नजर आएंगी कि कितना मुश्किल हो जाएगा, समझे? गेट आउट, गेट आउट, शट अप। मैं चाहूं तो ऐसी ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहता। मैं वैश्यों के बीच में अपनी इंसानियत खोना नहीं चाहता। मैं शराफत से पेश आ रहा हूं, तुम भी शराफत से पेश आओ। रामू ये लो छाछ। छाछ? हाँ। तू उसे छाछ पिला रही है? एक तो वैसे ही इस अछूत ने मधुकर के घर में आके उसे गंदा कर दिया और तू उसे छाछ पिला रही है, और वो भी उस गिलास में जिसमें मधुकर पीता है। रामू ले लो छाछ। अरे लक्ष्मी ये क्या कर रही हो, दिमाग खराब हो गया है? मधुकर कैसे मालूम नहीं कि अछूत है? जग्गू अगर इसने ये छाछ पी तो मैं इसी गिलास में इसका खून डाल के पीताऊंगा। लक्ष्मी ये छाछ मैं तुम्हें दे रही हूँ, पी लो। छी, इसने ये हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। इसने ये गिलास छूटा नहीं किया बल्कि तुमको झूठा कर दिया और तुम तमाशा देख रहे हो। जग्गू अछूत जिस चीज को छू लेता है वो झूठी हो जाती है, गंदी हो जाती है, नापाक हो जाती है, फिर वो चीज चाहे कितनी कीमती क्यों ना हो मेरे सामने नहीं रह सकती। मैं उसे ठोकर मार के गोदावरी में फेंक दूंगा। मैंने तुम्हारा ग्लास झूठा कर दिया, तुमने उसे पानी में फेंक दिया, अब मैंने तुम्हारी बेटी को झूठा कर दिया है, क्या करोगे? फेंक दोगे उसे गोदावरी में? चंदा मैं बच्चों के काम से शहर जा रहा हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जरा उसका ख्याल रखना। जब तक चंदा जिंदा है तुम माँ की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगी। लो जाओ। रामू ने मेरे पिताजी को आज बहुत अच्छा सबक सिखाया, ये मेरी जिंदगी की कहानी का एक बहुत खूबसूरत पन्ना था।